Good morning, students. Today we will start chapter 2, History and the Evolution of Computers. Blaise Pascal was an important mathematician helping to create two major new areas of research. He wrote a significant treatise on the subject of projective geometry at the age of 16. देखो ये चैप्टर में आपको हिस्ट्री समझनी है कंप्यूटर की कि फर्स्ट कंप्यूटर कब डेवलप हुआ और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद मतलब ईयर वाइज कितने डेवलपमेंट्स हुए पहले के वो हमें समझना है ये चैप्टर में. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि बेल से पास कर ही डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर यू डू ओनली लिमिटेड जॉब्स. उनने एक बेसिक कैलकुलेटर इन्वेंट किया था जो सिर्फ लिमिटेड जॉब्स कर सकता है. जो अभी आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियन हेल्पिंग टू क्रिएट अ टू मेजर न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च. ही ऑल्सो रोट द सिग्निफिकेंट ट्रेंडेंस ऑन द सब्जेक्ट टू प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री. ज्योमेट्री बेस में रिलेटेड एक कैलकुलेटर बनाया था और वो भी कौन से एज में बनाया था, एट द एज ऑफ 16. नाउ नेक्स्ट 1642 बेल्से पास्कल डेवलप द फर्स्ट बेसिक कैलकुलेटर वुड डू लिमिटेड जॉब्स जो अभी मैंने आपको बताया. और उसके बाद 1690 लेजनिन डेवलप ए मशीन कुड परफॉर्म द एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट. ओके 1690 में लेबिजिन जो डेवलप किया है उनने एक मशीन डेवलप की थी जो क्या परफॉर्म कर सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड कैलकुलेट, जो हम हमारे डेली बेसिक कैलकुलेटर में हम यूज करते हैं. मगर वो कब डेवलप हो गया था, 1690 में. नाउ नेक्स्ट है 1822 चार्ल्स बाबेज डिजाइन एंड बिल्ट ए मॉडल कॉल्ड डिफरेंस इंजन. और उसके बाद देखो आफ्टर 1833 बाबेज डिजाइन ए मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन. 1940 में जॉन वॉन न्यूमेनिन फाउंड ए वे टू एनकोड द इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज. 1946 में जी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मेन डब्ल्यू मंचली इन्वेंटेड जायंट ईएनआई एसी मशीन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. ईएनआई एसी वो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज द लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. देखो ये चैप्टर में आपको सिर्फ समझना है और याद रखना है कि पहले क्या डेवलप हुआ था, कौन सी ईयर में कौन से इन्वेंटर ने क्या डेवलप किया था एज ए कंप्यूटर रिलेटेड. ये फर्स्ट स्लाइड में आपको ये समझना है और याद रखने की कोशिश करना है अगर एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए तो, या आपको यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. मगर आपको समझना है कि कौन से ईयर में किसने क्या डेवलप किया. देखो दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, इन 1690 में लेविजन डेवलप एक मशीन डेवलप किया था जो एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको ये बताया. और उसके बाद 1822 में ठीक है डिजाइन अ बिल्ट मॉडल राइट. तो ये सब इन्वेंशन आपको याद रखने हैं जो आपको ईयर वाइज मैंने आपको यहाँ पे बताया. ठीक है नाउ नेक्स्ट है जो मेन आता है हमारा मेन जो टॉपिक बोला जाता है जनरेशन, कौन से जनरेशन में किस तरह का कंप्यूटर था. तो देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन द हार्डवेयर. अब कंप्यूटर्स जो भी बनते हैं जनरेशन वो किसके ऊपर होते हैं, हार्डवेयर के बेसिस के ऊपर होता है. जिस तरह का हार्डवेयर बनाते हैं उस तरह का वो जनरेशन क्रिएट होता है. कंप्यूटर्स में बी क्लासिफाई इनटू नंबर ऑफ जनरेशन. द क्लासिफिकेशन में बी बेस ऑन द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज इन बिल्ड अ कंप्यूटर और बेस ऑन इट्स एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1945 से लेकर 55 तक. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से लेकर 65 तक. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 80 तक. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेकर 1989. और लास्ट है जो हमारा फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है टिल डेट 1989 से लेकर टिल डेट. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या है. देखो यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स आपको कंटेंट करके दिए हैं जो पहले फर्स्ट जनरेशन में इस तरह का कंप्यूटर यूज होता था राइट. और यहाँ पे जो बॉटम में एक दिया है वैक्यूम ट्यूब्स के, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था. देखो थोड़ा समझते हैं क्या लिखा गया है.
The period of the first generation was from 1946 to 1959. The computer of the first generation used vacuum tubes as the basic components on for memory and circuitry for the CPU, right? The tubes like electric bulbs produce a lot of heat and installation used to fuse frequently. They are very expensive and only large organization will be able to afford it. अभी ये तो इतना तो मालूम पड़ा लास्ट लाइन से कि ये तो बहुत महंगा था उस टाइम में, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही उसको अफोर्ड कर सकता था. और वो ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह दिखाई देते थे और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते थे, राइट? और क्या यूज करते थे? लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे एंड इंस्टॉलेशन यूज्ड अ फ्यूज फ्रीक्वेंटली. ठीक है, अब इसको अब क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि फर्स्ट जो जनरेशन किसने इन्वेंट किया गया. तो चार्ल्स बाबेज एंड इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ द प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर. उनको एक फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता था, चार्ल्स बाबेज को. बी द कंसेप्टलाइजेशन एंड इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन अर्ली 19th सेंचुरी में. चार्ल्स बाबेज क्या बोला जाते हैं, को क्या बोला गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर. और उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था 19th सेंचुरी में. नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन. यहाँ पे देखो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज है, तो पहले की जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था. अब यहाँ पे आपको वैक्यूम ट्यूब्स के बदले यहाँ पे क्या आ गया, देखो ट्रांसिस्टर्स. ठीक है, तो ट्रांसिस्टर वेयर यूज इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. ट्रांसिस्टर इज ए स्मॉल कंपोनेंट मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. विद ट्रांसिस्टर्स द प्रॉब्लम ऑफ हीट मिनिमाइज एंड द कंप्यूटर साइज वॉज रिड्यूस. द कंप्यूटर नाउ कुड बी परफॉर्म ऑपरेशन कंपेरेटिवली फास्टर. द स्टोरेज कैपेसिटी वॉज ऑल्सो इम्प्रूव. इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द मशीन लैंग्वेज, नाउ द मशीन कुड वर्क विद द हायर लेवल लैंग्वेज सच एज ALCLO एंड FORTIL. नाउ देखो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में ये कहना चाहता है कि पहले के टाइम में वैक्यूम यूज हुआ, अभी यहाँ पे ट्रांसिस्टर जो छोटी साइज में. अब ये यहाँ पे इतना ये बताना चाहता है कि कंप्यूटर की जो साइज थी पहले फर्स्ट जनरेशन हैज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, अब साइज बहुत छोटी हुई. जो आपको मैंने पिक्चर्स आपके दिए कि बहुत छोटे पिक्चर्स दिए हैं, राइट, छोटे कंप्यूटर साइज है. और यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है. और यहाँ पे विद द प्रॉब्लम ऑफ हीट वॉज मिनिमाइज. पहले की फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी. और यहाँ पे ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हीट कम यूज होती है और उसका कंप्यूटर का साइज भी कम कर दिया है. और दूसरा, कंप्यूटर नाउ कुड बी परफॉर्म ऑपरेशन कंपेरेटिवली फास्टर और फास्टर वर्क भी करता है. और उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ गई है. अब जो मशीन लैंग्वेज यूज होता था उसके बदले हम अब उसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, जैसे ALCOL एंड FORTIL, दे आर द लैंग्वेजेस. ओके, दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ सेकेंड जनरेशन में. और ट्रांसिस्टर कंप्यूटर नाउ ऑफन कॉल्ड अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज अ विच यूज डिस्क्रीट द ट्रांसिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. अब वैक्यूम ट्यूब के बदले क्या यूज हो रहा है, ट्रांसिस्टर्स. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थ्रू द लेट 1950 एंड 1960 फीचर सर्किट बोर्ड फिल्ड विद द इंडिविजुअल ट्रांसिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर. इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांसिस्टर से जो आपको फीचर्स आपको दिए थे, इस तरह से यूज होने लगे जो उसकी साइज बहुत कम है. नेक्स्ट इज द थर्ड जनरेशन. देखो यहाँ पे जो फीचर्स आपको दिए हैं वो थर्ड जनरेशन में. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम. सेकंड में क्या था, ट्रांसिस्टर. अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड सर्किट. ये ऐसी सर्किट आपने देखी होगी जो कंप्यूटर मदरबोर्ड में रहती है, राइट? नाउ देखो क्या कहना चाहता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट. दिस सर्किट्स आर फिक्स ऑन द सिलिकॉन चिप. कहाँ लगाया जाता है, सिलिकॉन चिप में. जो आपको ग्रीन कलर का जो मदरबोर्ड आपने देखा होगा, ग्रीनिंग कलर रहता है, वो क्या है, एक सर्किट रहती है उसके ऊपर लगाया जाता है. सिलिकॉन चिप कंज्यूम लेस देन 1/8 ऑफ इंच स्क्वायर, विच में बी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स एसेट्रा कैन बी फिक्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेफ सेटिस्फाई नीड स्मॉल बिजनेस. एग्जाम्पल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज
IBM 360, PDP 8 एंड PDP 11 मशीन्स। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह अब क्या यूज हो रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कहाँ पे लगाया जाता है, अपने मदरबोर्ड में, और वो किससे बना है, फिक्स ऑन द सिलिकॉन चिप में लगाया जाता है। सर्किट्स आर फिक्स ऑन अ सिलिकॉन चिप, और उसका साइज भी बहुत छोटा रहता है, 1/8 inch रहता है स्क्वायर में, राइट। और ज्यादातर ये कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, IBM 360, पीडीपी एंड पीडीपी 11 मशीन, जो पहले के कंप्यूटर्स माना जाते थे। द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1965 टू 1971 तक था। द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे। एक सिंगल आईसी से मेनी ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर अलॉन्ग विद द एसोसिएट विद द सर्किट, एक चिप से, एक सर्किट से, आईसी से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईसी, आईसी से ही पूरा वर्किंग चलता था। नेक्स्ट इज द फोर्थ जनरेशन, जो अभी के आपको थोड़ा कंपेरेबल दिखेगा, जिसमें क्या यूज होता है, पहले क्या यूज था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और अभी यहाँ पे देखो माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर यूज इन अ लार्ज स्केल आईसी कॉल्ड VLSI, वेर इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड सुपर कंप्यूटर सच एज CRAY सीरीज कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर आर द बेस्ट इन टर्म ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेसिटर्स एंड कॉस्ट। द स्प्रेड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, राइट। अभी देखो फोर्थ जनरेशन में आपको क्या नया मिला, माइक्रो प्रोसेसर, राइट, जिसका चिप आपने देखा यहाँ पे इंटेल i4 i7 लिया है, तो वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब देखो दिस कंप्यूटर आर यूज इन द VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी, देयरफॉर दे वेर नोन फॉर द माइक्रो प्रोसेसर, और उनका नाम क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट इज द फिफ्थ जनरेशन, जो अभी आपने देखा होगा लैपटॉप्स या डेस्कटॉप की भी थोड़े डिजाइन्स चेंज हो गए, उनकी जो साइज थी वो बहुत कम हो गई है, स्लैंटिंग फ्लैट मोड में आ गया है, सीपीयू का डिजाइन भी, जो सीपीयू पहले बड़े बॉक्स में आते थे, बड़े कैबिनेट्स में आते थे, अभी देखो मिनी कैबिनेट्स में आने लगे, और वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव मोड है, जो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई देगा, राइट। थर्ड पिक्चर में भी देखो लैपटॉप का डिजाइन बदल गया, टच स्क्रीन आने लगे, राइट। तो फिफ्थ जनरेशन में आर फर्दर मेड स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड यूजिंग फ्रेंडलीनेस एंड कनेक्टिव नेटवर्क। दीज कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल सोफिस्टिकेटेड पावरफुल डेस्कटॉप्स नोटबुक्स वेराइटीज ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म सच एज ऑप्टिकल डिस्क एंड एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखो ये किसके ऊपर डिपेंड है पूरा, बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड इन द रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, प्लेइंग गेम्स, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड द जनरेशन। अब ये जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में देखो, आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे यूज में इंक्लूड हो गया जैसे ही फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स डेवलप होने लगे, और छोटे छोटे कंप्यूटर्स डेवलप होने, जो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही फास्ट, और उनका सेव कर डेटा को स्टोरेज करने का भी तरीका बदल गया, पहले डिस्क को सब यूज करते थे, अभी हम पेन ड्राइव्स या नेटवर्क से ही डेटा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो ये सब यूज होता है फिफ्थ जनरेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में यूज कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।